नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज 48। पेश है ये खास रिपोर्ट। कादर के गांव में जनसंपर्क के दौरान युवाओं और पंच सरपंचों ने उत्कर्ष चौधरी को पगड़ी पहनाकर व फूल मालाओं से स्वागत किया। इसी दौरान उत्कर्ष चौधरी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारा भारत देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रोज नई नई ऊंचाई को छू रहा है। आज हमारे देश के विश्व में एक नई पहचान बनी हुई है। मुझे जो जोश युवाओं व गाँव की सरदारी में दिख रही है, इससे साफ प्रतीत होता है कि पहले से ज्यादा सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे व फरीदाबाद लोकसभा की जनता कृष्ण पाल गुर्जर को नए रिकॉर्ड बनाकर भारत का सबसे बड़ा पंचायत लोकसभा में जाकर भेजेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में पूरे हरियाणा में युवाओं को ईमानदारी, सरकारी नौकरी, किसान का मन चाहा, फसलें का भाव, गरीबों का समान विकास हुआ है और आप लोगों के आशीर्वाद से फरीदाबाद को की सीटों के साथ हम पूरे हरियाणा की सीटें जीतेंगे। इस मौके पर डॉक्टर हरिंदर पाल राणा ने जनसभा को संबोधित किया। हरिंदर पाल राणा को भी गाँव के सरदारी ने फूल मालाओं से स्वागत किया। बहुत ही जबरदस्त माहौल है, बहुत ही जबरदस्त सहयोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बागपुर, सोनला, मुंडा, गाजीपुर, कई गांवों में हमारा दौरा हुआ है। लोगों में बहुत ही ज़बरदस्त उत्साह है, जोश है और परसों मंत्री जी का जो दौरा है, मुझे लगता है यहां पर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जनसभाओं में रहने वाली। लोगों में एक खासा जोश पूरे समस्त खादर क्षेत्र में देखने को। इस बार खादर क्षेत्र से कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा तय है। इस बार कांग्रेस का यहाँ से मतलब मुझे लग रहा है कि बस्ता पकड़ा भी कोई मिलेगा। मौजूदा सरपंच, पूर्व सरपंच, बीडीसी, जिला परिषद, हर एक चुने हुए नुमाइंदे ने मंत्री जी के साथ, मोदी जी के साथ अपना समर्थन जाहिर किया। अब तक की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।